मेरी सारी लाइफ खराब हो जाएगी सर। सर मेरा जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा सर। सर डर लगता है ना, मेहनत का पैसा है, अगर कट गया तो 48,000 कट जाएगा, इसीलिए तो डर रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं, आप सेंड क्लिक कीजिए, कोई भी अमाउंट आपका कट नहीं होगा, सेंड क्लिक कीजिए सर। आप सर मम्मा कसम नहीं कटेगा ना सर, भगवान कसम खा के बोलता है, कोई भी आपका अकाउंट से पेमेंट नहीं कट होगा। ऐसे ही ना जाने कितने लोगों के पास स्पैम कॉल्स और SMS आते होंगे। अगर आपके पास भी ऐसे फोन कॉल्स या SMS आते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जिनके पास ऐसे स्पैम कॉल्स या SMS नहीं आते हैं वो भी इस वीडियो को देख लो, वरना आपके साथ भी बहुत ही बड़ा स्कैम हो सकता है। आजकल स्कैमर्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से एक दिन में ना जाने कितने लोगों के साथ स्कैम होता है। और सबसे ज्यादा स्कैम उन लोगों के साथ हो रहा है जो ऑनलाइन रुपए कमाना चाहते हैं, फिर चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो जो साइड इनकम करना चाहता हो। इन सभी के साथ स्कैम हो रहा है और इनमें से ना जाने कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और ना जाने कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं। 2023 में स्कैमर्स ने स्कैम करने का सबसे बड़ा जरिया बनाया है स्टॉक मार्केटिंग को और फैंटेसी गेम को। वैसे तो स्कैमर्स के निशाने पर सारे वो प्लेटफॉर्म है जिनसे हम ऑनलाइन रुपए कमा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रॉड स्टॉक मार्केटिंग और फैंटेसी गेम में ही होता है क्योंकि इसमें इन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। और एक तरीका तो स्कैमर्स ने ऐसा निकाला है जिससे स्टॉक मार्केटिंग और फैंटेसी गेम से ज्यादा लोग इनके जाल में आसानी से फंसते जा रहे हैं, और जब तक लोग समझ पाए इनके साथ कुछ गलत हो रहा है तब तक उनका बैंक अकाउंट खाली हो चुका होता है और ये लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको स्टॉक मार्केटिंग, फैंटेसी गेम या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे ऑनलाइन रुपए कमा सकते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म में होने वाले स्कैम के बारे में बताता हूँ। अगर आप ऐसे स्कैम से बचना चाहते हो तो आप इसे अच्छे से समझिए। अब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो लोगों को रुपए तो कमाने पड़ेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं, रुपए कमाने का शॉर्टकट ढूंढते हैं क्योंकि आजकल लोगों में बहुत ज्यादा आलस आने लगा है, इसीलिए वो किसी भी तरह की मेहनत करना चाहते नहीं है लेकिन रुपए कमाना चाहते हैं। और रुपए भी इस तरीके से कमाना चाहते हैं उनके पैसे 2-4 दिनों में डबल हो जाएं और कुछ ही दिनों में वो इतना पैसा कमाने लगे जिससे उनकी सारी जरूरतें पूरी हो सके और उन्होंने जो सपने देखे हैं वो सपने भी पूरे होने लगे। और यही सोचकर लोगों के मन में लालच आ जाता है और वो YouTube, Google पर शॉर्टकट तरीका ढूंढने लगते हैं जिससे वो ऑनलाइन रुपए कमा सकें। यहाँ पर इन लोगों को स्टॉक मार्केटिंग जैसा रास्ता मिल जाता है जहाँ से ये जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, स्टॉक मार्केटिंग को स्टॉक मार्केटिंग नहीं समझते और फैंटेसी गेम को फैंटेसी गेम नहीं समझते। उन्हें ये सब केवल जुए की तरह दिखता है और वो जुए की तरह इसमें रुपए लगाते हैं और इसी गंदी सोच की वजह से ये लोग इसमें फंस जाते हैं। क्योंकि समस्या ये आती है, स्टॉक मार्केटिंग जैसा रास्ता तो इन्हें मिल गया लेकिन स्टॉक मार्केटिंग के बारे में ज्यादा ज्ञान है नहीं, तो ये स्टॉक मार्केटिंग से पैसा कमाएंगे कैसे, पैसा निकालेंगे कैसे? और ये फिर से YouTube पर सर्च करने लग जाते हैं स्टॉक मार्केटिंग से पैसा कैसे कमाएं, और फिर यहाँ पर इन्हें मिल जाते हैं टिप्स देने वाले गुरु। अब आप इसे अच्छे से समझना क्योंकि इसे मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, अगर मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगा ना तो इसकी 1 घंटे की वीडियो बन सकती है। अब जो लोग टिप्स देने वाले हैं उनके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ग्रुप्स होते हैं, लेकिन जो ये टिप्स बताएंगे वो आप इनसे डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसके लिए आपको इन्हें कुछ पैसे देने होंगे जैसे 1 महीने के 10,000 या 15,000। कुछ लोग तो इन्हें डायरेक्ट रुपए पे कर देते हैं लेकिन कुछ लोग बोलते हैं क्या प्रूफ है कि हमारा प्रॉफिट ही होगा, उसके लिए ये 3 दिन का फ्री ट्रायल रखते हैं। 3 दिन का आपको फ्री ट्रायल दिया जाएगा जिसमें आपको डेली टिप्स मिलेंगी, और ये टिप्स देने वाले पहले से बोल देते हैं अगर आपको हमारी बताई हुई टिप्स से 3 दिन प्रॉफिट होता है तो आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे। और इसमें कुछ लोगों को 3 दिन प्रॉफिट होता है, केवल कुछ लोगों को। इसके पीछे का लॉजिक समझिए, कुछ लोगों को 3 दिन प्रॉफिट कैसे होता है जो आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं है। एग्जांपल के लिए मान लो 1 दिन में इनके पास 1,000 लोग आते हैं, अभी 1,000 लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। अभी एक ग्रुप को बोलेंगे आप इस फलाने शेयर को बाय करो और दूसरे ग्रुप को बोलेंगे आप इस फलाने शेयर को सेल करो। सीधी सी बात है, मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अब इन्होंने 2 ग्रुप बना लिए और दोनों ग्रुप को एक ही शेयर दिया जिसमें एक ग्रुप ने शेयर को बाय किया और एक ग्रुप ने शेयर को सेल किया। अब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए इनके एक ग्रुप का प्रॉफिट होने वाला है, 100% प्रॉफिट होगा और एक ग्रुप का लॉस होगा। अब जिस ग्रुप का प्रॉफिट हुआ है उस ग्रुप को ये संभाल कर अगले दिन के लिए रख लेते हैं और जिस ग्रुप का लॉस हुआ है उस ग्रुप से इन्हें कोई मतलब नहीं, बाढ़ में जाए। अब जिस ग्रुप का प्रॉफिट हुआ है उस ग्रुप में 500 लोग बचे, अब उन 500 लोगों को फिर से 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा।
अब दो ग्रुप हैं, उन दोनों ग्रुप में 250 लोग हैं। अब अगले दिन भी उसी ट्रिक को यूज किया जाएगा जो पहले दिन यूज की थी। अब दो दिन फ्री के निकल गए और इनके पास लास्ट दिन बचे 250 लोग। 250 लोगों को फिर से दो ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। अब लास्ट दिन इनके पास दो ग्रुप हैं 125-125 लोगों के, और आखिरी दिन भी ये लोग इसी ट्रिक्स को अपनाएंगे और लास्ट में इनके पास बचेंगे 125 लोग। अब इन 125 लोगों को जो लगातार 3 दिन प्रॉफिट हुआ है, अब ये लोग बोलेंगे हमारा काम पूरा हो गया, तीनों दिन हमने आपको टिप्स दी और तीनों दिन आपको प्रॉफिट हुआ, अब आपकी बारी है, आपको हमारी मेंबरशिप खरीदनी होगी, उसके बाद ही हम आपको आगे टिप्स देंगे। अब जिसका लगातार 3 दिन प्रॉफिट हुआ हो, 10,000 से उसने 30,000 रुपए कर लिए हो, तो वो तो चमत्कारी समझेगा और सीधी सी बात है मेंबरशिप ज्वाइन कर लेगा। आप लोग इनकी मेंबरशिप ले लोगे, उसके बाद भी ये आपको टिप्स बताएंगे, लेकिन आपके प्रॉफिट के चांस 50-50 हो जाएंगे, क्योंकि अब वो आपको वही टिप्स देंगे जो सभी लोगों को देते हैं। इसलिए किसी भी टिप्स देने वाले के पीछे मत भागो, किसी ऐसे पर्सन को फॉलो करो जो आपको सही से एनालिसिस करके दिखाए, उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड खुद कर सको। अब मैं आपको लेटेस्ट स्कैम के बारे में बताता हूँ जिसमें लोगों को फंसाया जाता है और बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक पर लड़कों के पास लड़कियों के मैसेज कुछ ज्यादा ही आने लगे हैं, लेकिन जिस लड़की का आपके पास मैसेज आया है असल में वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है जो आपके साथ स्कैम करने के लिए आपको मैसेज कर रहे हैं। अब ये लोग आपसे इस तरीके से बात करेंगे जिससे आपको लगे कि ये लड़की है, उसके बाद ये आपसे फ्रेंडशिप बिल्ड करेंगे, उसके बाद बातों ही बातों में आपसे ये आपकी जन्म कुंडली निकलवा लेंगे और आप लोग इन्हें अपना मोबाइल नंबर पता सब कुछ बता दोगे, उसके बाद इन्हें आपके बारे में सारी जानकारी पता हो जाती है। उसके बाद आपके पास एक वीडियो कॉल आएगी, या तो इंस्टाग्राम वीडियो कॉल करेंगे या फिर आपके पास व्हाट्सएप वीडियो कॉल करेंगे, और वीडियो कॉल से ही सारा खेल शुरू होता है। आप जैसे ही इनकी वीडियो कॉल को उठाओगे आपके सामने एक लड़की होगी जो आपसे बात करेगी, आप भी उससे बात करोगे, उसके बाद लड़की अपने सारे कपड़े उतार के दिखाएगी और आपको भी कपड़े उतारने को कहेगी, और जोश जोश में आप भी अपने सारे कपड़ों को उतार दोगे, और जैसे ही आपकी वीडियो कॉल कट होगी आपके पास तुरंत एक कॉल आएगी जिसमें आपको बोला जाएगा आप अपना व्हाट्सएप चेक करो या फिर इंस्टाग्राम मैसेज चेक करो, आपके पास एक वीडियो भेजी गई है, और ये वही वीडियो होगी जिसमें आपने किसी लड़की के साथ बात की थी और अपने कपड़े उतार के दिखाए थे और उसने भी अपने सारे कपड़े उतारे थे। अब ये लोग आपको ब्लैकमेल करेंगे, अगर आप इस वीडियो को डिलीट करवाना चाहते हो तो आप मुझे 20,000 रुपए 50,000 रुपए इस तरीके से सेंड करो, अगर आप हमें इतने रुपए सेंड नहीं करते हो तो हम आपकी वीडियो यूट्यूब पर पब्लिश कर देंगे और साथ में ही फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसे सोशल मीडिया पर भी पब्लिश कर देंगे। इस तरीके से ये लोग आपको फंसा लेंगे और फंसाने के बाद आपसे रुपए मांगेंगे। पहली बार में ये लोग जितने रुपए मांगते हैं आप इन्हें इतने रुपए पे कर देते हो, उसके बाद भी ये आपसे दोबारा कहेंगे इतने रुपए और पे करो, उसके बाद हम वीडियो डिलीट करेंगे, और ये लोग जितने रुपए मांगते हैं ज्यादातर लोग इन्हें पे कर देते हैं, क्योंकि शर्म की वजह से ये लोग किसी को बताते भी नहीं है और कुछ लोग तो आत्महत्या ही कर लेते हैं। इसलिए ऐसे सोशल मीडिया स्कैम से बच के रहो वरना बहुत ही बुरे फंस सकते हो। और किसी अनजान व्यक्ति का SMS या कॉल आती है और वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगता है तो आप उससे डायरेक्ट मना कर दो, क्योंकि एक बार आपकी जानकारी उनके पास चली गई उसके बाद वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे आपको फंसाने का, और आपको इस तरीके से फंसाएंगे और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसलिए खुद भी सतर्क रहो और दूसरों को भी सतर्क करो। अगर आप लोग चाहते हो मैं इस वीडियो का 2 सेकंड लेके आऊं जिसमें आपको बताऊं आप लोग इस स्कैम से कैसे बच सकते हो, और अगर आपके साथ ऐसा स्कैम हो जाता है तो आप इसकी कंप्लेंट कहां पर कर सकते हो, और आप ये कैसे पता कर सकते हो जिससे आपकी बात हो रही है वो स्कैमर है या नहीं है, जिससे आपके साथ स्कैम होने की नौबत ही ना आए।